आज सुबह लगभग 8:30 बजे के करीब गोगावा से 10 किलोमीटर दूर कुंडिया फाटे के पास मार्ग पर चलता वज्र पुलिस वाहन अचानक पलट गया, जिसमें 8 से 10 जवानों के घायल होने की बात सामने आई है। वज्र के चालक जितेंद्र पाटीदार ने बताया कि वह गुरुवार को खरगोन डीआरपी लाइन के जवानों को लेकर सनावत जा रहा वज्र वाहन MPO-3A-8931 का चेचिस का वेल्डिंग टूट कर केबिन रोड पर पलटी खा गया। केबिन में बैठे हुए 10 जवान घायल हुए। उन्हें घटनास्थल से 108 की मदद से जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका उपचार किया जा रहा है। हम आपको बता दें कि खरगोन गोगांव के बीच कुंडिया फाटे के समीप जहां हादसा हुआ है, उससे कुछ ही दूरी पर इंद्र सागर परियोजना की मुख्य नहर मौजूद है, जिसमें पहले भी वाहनों के गिर जाने से लोगों की जाने जा चुकी है। गनीमत रहा कि पुलिस जवानों के साथ ऐसी कोई अप्रिय घटना नहीं घटी। गोगांव से इकबाल हकीम की रिपोर्ट। इतने जवान इसके अंदर बैठे थे, उन्हें लगे कुछ ये पलटी कैसा खा गया? कंपनी का नया है वाहन, 4 महीने हुए। अच्छा, ये वेल्डिंग उखड़ गया चेचिस के ऊपर। आप क्या इस गाड़ी के ड्राइवर हैं? हाँ। क्या नाम लिखते हैं? जितेंद्र पाटीदार। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।